आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के बारे में ए टू जेड सब कुछ, कि कैसे हमें अपनी टेक्नोलॉजी पिक करनी चाहिए, नीश कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे अपना पहला क्लाइंट ढूंढना चाहिए और कैसे ऑफ प्लेटफॉर्म हम अपने क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हैं। ये वीडियो इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नैंसी सोलंकी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज अ वेब डेवलपर। सबसे पहले आते हैं हम टेक स्टैक पे। टेक स्टैक होना चाहिए हमेशा जो पॉपुलर हो इंडस्ट्री में। जैसे कि अगर मैं फ्रंट एंड पे काम करूँ तो मैं रिएक्ट को चूज करूंगी, अगर मैं बैक एंड में काम कर रही हूँ तो मैं सी शार्प, जावा या फिर नोड जेएस को यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि इनकी ना डिमांड बहुत ज्यादा है, हर कोई इनमें अपनी चीजें बनवाना चाहता है। हमें हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि हम कभी भी कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें, जैसे कि पर्ल हो गया या फिर ओल्ड सी हो गया, क्योंकि इसमें लोग बहुत कम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है। तो हमेशा ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस में अपना नीश बनाने में। दूसरी चीज़ इस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो होती है हमारी सर्विस नीश। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी। मान लो कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट में कोड करती हूँ तो मैं सबसे पहले ना जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती है करने को। अब मैं इसमें पहला फिल्टर लगाती हूँ कि मैं सिर्फ गूगल क्रोम के प्लगइन्स बनाऊंगी और मैं गूगल क्रोम के प्लगइन्स में भी सिर्फ प्रोडक्टिविटी क्रोम एक्सटेंशंस बनाऊंगी फिटनेस इंडस्ट्री के लिए। तो इसमें मैंने तीन फिल्टर लगा दिया, प्लगइन्स का, एक्सटेंशन का और फिटनेस इंडस्ट्री का। तो अब मेरे पास एक टारगेटेड ऑडियंस बन चुकी है कि जितने भी लोग फिटनेस इंडस्ट्री में हैं अगर उनको प्रोडक्टिविटी क्रोम एक्सटेंशन बनवाना है तो वो मेरे पास ही आएंगे। और इससे क्या होता है कि मैं ना ज़्यादातर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही हूँ और मेरी ऑडियंस बहुत टारगेटेड हो चुकी है। अब मुझे हर जगह हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अपने स्पेसिफिक नीश में ही इतनी मेहनत करनी है कि उस इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो मेरे पास ही आए। ये नीश सेलेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है कि मैं किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहती हूँ, जिससे हमारी जो डिमांड है वो बढ़े और जो सप्लाई होती है उस चीज़ की वो कम होगी, क्योंकि तुमने एक स्पेसिफिकली एक नीश निकाल ली अपनी जिसमें शायद ही कोई तुम्हें कॉम्पीट करेगा। फ्रीलांसिंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है अपना पहला क्लाइंट ढूंढना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास एक प्रूफ आ जाएगा, तुम्हारे पास 5-स्टार रेटिंग्स आ जाएगी, तुम्हारे पास उस प्लेटफॉर्म पे कुछ दिखाने का प्रूफ हो जाएगा कि भाई इस पर्सन ने काम किया है, इसके पास तुम काम आओगे तो ये इतने अच्छे से काम को डिलीवर कर देगा। बट स्टार्टिंग में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, किसी को हम पे ट्रस्ट नहीं होता, तो हमें सबसे पहले ना बहुत सारे कोल्ड ईमेल्स, प्रपोजल्स भेजने पड़ते हैं, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, हर जगह भेज दो और कैसे ना कैसे करके अपने पहले क्लाइंट को उस प्लेटफॉर्म पे लाओ। उससे 5-स्टार रेटिंग्स तुम्हें किसी भी तरीके से लेनी है, क्योंकि तुम ओवर डिलीवर कर दो, डेडलाइन से पहले उस काम को डिलीवर कर दो और इतने अच्छे से डिलीवर कर दो कि वो 5-स्टार दिए बिना जा ही ना पाए। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारे पास एक भी नेगेटिव कॉमेंट आ गया स्टार्टिंग में, वो तुम्हारी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, बट काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा, तुम्हारे पास क्लाइंट्स और लेट आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि यार अपना जो भी तुम्हारा फर्स्ट क्लाइंट का काम है, इनिशियली जो तुम काम कर रहे हो क्लाइंट्स का, वो इतना ज़्यादा ओवर डिलीवर कर दो, बर्न अप हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सह लो, बट किसी भी तरीके से कुछ 5-स्टार रेटिंग्स वाली चीज़ें अपने प्रूफ में ले आओ। अब हम बात करेंगे कि हमें अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी कौन से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करनी चाहिए। टॉप 4 प्लेटफॉर्म्स जो होंगे वो होगा अपवर्क, टॉपटल, पीपल पर आर और फीवर। ये 4 प्लेटफॉर्म्स बहुत ट्रेंडिंग और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स, क्लाइंट्स तुम्हें मिल जाएंगे और यहाँ पे तुम्हारा पहला क्लाइंट मिलना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो होगा कि क्या हम ऑफ प्लेटफॉर्म्स क्लाइंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं। अगर हमने किसी भी प्लेटफॉर्म पे 4 लॉयल क्लाइंट्स बना लिए जो बार बार हमारे पास ही काम कराने आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास हमारा ट्रस्ट हो चुका है, हमने एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया है, हमने उनसे बातचीत करके अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना प्रूफ सब दिखा चुके हैं, काम करके हर चीज़ हम उनको दिखा चुके हैं, वो हमारे पास ऑफ प्लेटफॉर्म ही आएंगे। एक टाइम के बाद तुम्हारे जो ऑन प्लेटफॉर्म जो क्लाइंट्स हैं वो भी होंगे और जो ऑफ प्लेटफॉर्म जो क्लाइंट होंगे उसका और उसका रेट बिल्कुल सेम हो जाएगा, क्योंकि कोई बार बार नए पर्सन को अपना काम स्टार्टिंग से समझाना नहीं चाहेगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना चाहेगा, इतना टाइम नहीं लगाना चाहेगा। राधा धन वो उस पर्सन को पिक करेगा जिसको पता है अपनी जॉब कैसे करनी है और कैसे कहाँ पर क्या काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि फ्रीलांसिंग में पैसे कितने मिल रहे हैं। अब देखो, पैसे भी हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है कि मैं फ्रीलांसिंग में बिगिनर हूँ बट मेरे पास टेक इंडस्ट्री का थोड़ा एक्सपीरियंस है। एक दूसरा केस होता है जिसमें मैं फ्रीलांसिंग में भी बिगिनर हूँ और मेरे पास कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब हम पहले केस की बात करें तो पहले केस में मुझे $30 पर आवर प्राइस मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने क्रेडिबिलिटी, इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, उस टेक स्टैक पे मैंने काम कर रखा है। अब मुझे बस वो चीज़ एज अ बिजनेस खुद का स्टार्ट करना है और लोगों को थोड़ा बहुत मुझ पर ट्रस्ट होगा, क्योंकि मैं कंपनी से आई हूँ और मैंने अपना ही कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फ्रीलांसिंग को चूज़ किया है।
अब आते हैं दूसरे केस पे, यानी हम फ्रीलांसिंग में भी बिगनर हैं और हमारे पास कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है। इन लोगों को ना स्टार्टिंग में अपना प्राइस कम रखना चाहिए ताकि इनके पास क्लाइंट्स आए। इनके पास 4-5 क्लाइंट्स आ गए, इनके पास 5-star रिव्यूज आ गए, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आ गए, अभी अपना प्राइस $40 या $30 के बीच में रख सकते हैं। बट इनिशियली इनको अपना प्राइस $15 या फिर कभी कभार $10 से भी स्टार्ट करके मतलब कर लेना चाहिए। कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि 4-5 क्लाइंट्स के बाद तुम ग्रेजुअली अपना प्राइस बढ़ा सकते हो, बहुत नॉर्मल चीज़ है। और सेम केस वन में भी और केस टू है, जैसे तुम्हारे पास क्लाइंट्स आते रहते हैं तुम अपना प्राइस बढ़ाते रहते हो। फ्रीलांसिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। हमें अपने क्लाइंट से ना एक एक चीज़ को डिस्कस करते हुए चलना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई ब्लॉकर आ चुका है, मैं उसकी वजह से उस डेडलाइन को मीट नहीं कर पाऊंगी, तो वो भी मैं उसको पहले इन्फॉर्म कर दूंगी। डेडलाइन वाले दिन नहीं इन्फॉर्म करूंगी कि यार ये काम नहीं हो पाएगा, इसको एक हफ्ता और लगेगा, नहीं, उसको पहले से इन्फॉर्म करके चलना है कि देखो ये ब्लॉकर है, इस रीज़न की वजह से मैं इसको इस टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उसको भी ना एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ठीक है यार, उसकी एक्सपेक्टेशंस उसी तरीके से सेट होगी। बट अगर तुम उसकी एक्सपेक्टेशंस को हाई करते रहोगे और तुम वो डिलीवर ही नहीं करोगे ना, तो वो वहीं पे तुम्हें नेगेटिव स्टार दे जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय।